दोस्तों, अगर आप 15,000 रुपये के बजट के अंदर एक नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे और अगर आप चाहते हैं कि स्मार्टफोन में आपको बाकी और भी फीचर्स के साथ ज़्यादा रैम स्टोरेज भी मिल जाए तो फिर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 6 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज वाले टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में जो आप 15,000 रुपये के बजट के अंदर नवंबर 2021 में खरीद सकते हैं, जिनमें आपको ज़्यादा रैम एंड स्टोरेज के साथ साथ छुपा एमोलेड डिस्प्ले, पावरफुल प्रोसेसर, 6000mAh बैटरी जैसे और भी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो सारे स्मार्टफोन्स और उनके फीचर्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिए। सो दोस्तों, मैं हूं अरिजीत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नो अरिजीत। सो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 5 नंबर पर है रेडमी 10 प्राइम, जो इंडिया में लॉन्च हुआ था 7 सितंबर 2021 को, और यह स्मार्टफोन रेडमी 10 सीरीज में पहला स्मार्टफोन है। अब दोस्तों बात करें इसके फीचर्स की, तो इसमें डिस्प्ले दिया गया 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले, जिसमें 90Hz रिफ्रेश के साथ गोरिल्ला ग्लास ट्रिगर प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। साथ में स्मार्टफोन में रैम मिलता है 6GB इंटरनल स्टोरेज 128GB और साथ में एक्सटर्नल मेमोरी है अप टू 512GB। इसके बाद बात करें प्रोसेसर की, तो इसमें मीडियाटेक का नया हीलियो G88 प्रोसेसर मिल जाता है, जो दोस्तों स्मार्टफोन में ही पहली बार दिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम है MIUI बेस्ड ऑन एंड्रॉइड वर्जन 11। अब कैमरे की बात करें, तो इसमें आपको पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 50MP का है प्राइमरी लेंस, साथ में 8MP का है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2MP का है डेप्थ सेंसर एंड 2MP का मिलता है मैक्रो लेंस, और इससे आप फुल एचडी क्वालिटी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। साथ में आपको 8MP का सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है। इसके बाद इस स्मार्टफोन में आपको 6000mAh की एक पावरफुल बैटरी मिलती है, साथ में आपको 18W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है। एंड स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर एंड कंपास सेंसर भी मिल जाते हैं। बाकी कनेक्टिविटी फीचर्स में इसमें आपको डुअल सिम, डुअल वोल्टी, वाईफाई एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1 के साथ और भी फीचर्स मिल जाते हैं। एंड दोस्तों, इसका 6GB प्लस 128GB वेरिएंट का प्राइस है 14,499 रुपये। और दोस्तों, लेटेस्ट ऑनलाइन डील्स, ऑफर्स एंड टेक रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। इसके बाद 4 नंबर पर है सैमसंग का गैलेक्सी M21 2021 एडिशन, और यह स्मार्टफोन ओरिजिनल गैलेक्सी M21 का अपडेट वर्जन है, जो दोस्तों मार्च 2020 को इंडिया में लॉन्च हुआ था। एंड स्मार्टफोन में आपको अच्छे क्वालिटी के डिस्प्ले के साथ साथ पावरफुल बैटरी भी मिल जाती है। अब दोस्तों बात करें इसके फीचर्स की, तो इसमें डिस्प्ले मिलता है 6.4 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो एक नॉर्मल 60Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है। इस स्मार्टफोन में अभी रैम मिलता है 6GB इंटरनल स्टोरेज 128GB, साथ में एक्सटर्नल मेमोरी है अप टू 1TB। इसके बाद इसमें प्रोसेसर मिलता है सैमसंग का जाइनोस 9 ऑक्टा 9611 प्रोसेसर, जो दोस्तों ओरिजिनल M21 में भी देखने को मिला था। ऑपरेटिंग सिस्टम है सैमसंग वन UI बेस्ड ऑन लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन 11। अब कैमरे की बात करें, तो इसमें आपको पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 48MP का है वाइड एंगल प्राइमरी लेंस, 8MP का है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 5MP का मिलता है डेप्थ सेंसर। साथ में स्मार्टफोन में 20MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसके बाद इसमें आपको 6000mAh की एक पावरफुल बैटरी मिलती है, जिसमें सिर्फ 15W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। और स्मार्टफोन में रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कंपास एंड जायरोस्कोप सेंसर देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसके कनेक्टिविटी फीचर्स में डुअल सिम, 4G वोल्टी, वाईफाई और ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ साथ और भी फीचर्स मिलते हैं। और दोस्तों, इसका 6GB प्लस 128GB वेरिएंट का प्राइस है 14,999 रुपये। एंड दोस्तों, और भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। इसके बाद 3 नंबर पर है रियलमी नार्जो 30 4G, जो इंडिया में लॉन्च हुआ था 25 जून 2021 को, और यह स्मार्टफोन नार्जो 30 सीरीज में एक अच्छा स्मार्टफोन है, जिसका 5G वेरिएंट भी आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन उसका प्राइस इस बजट से थोड़ा ज़्यादा है। अब दोस्तों, इसके फीचर्स में सबसे पहले डिस्प्ले दिया गया 6.5 इंच का IPS LCD 5-volt डिस्प्ले फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में, जिसमें 90Hz तक का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। इसके बाद रैम मिलता है 6GB इंटरनल स्टोरेज 128GB और साथ में एक्सटर्नल मेमोरी है अप टू 256GB। साथ में इसमें प्रोसेसर मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G95, जो दोस्तों इस प्राइस रेंज के अंदर एक अच्छा प्रोसेसर है। ऑपरेटिंग सिस्टम है रियलमी UI 2.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड वर्जन 11। अब कैमरे की बात करें, तो इसमें आपको पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 48MP का है वाइड एंगल प्राइमरी लेंस, इसके साथ 2MP का मैक्रो लेंस एंड 2MP का मिलता है डेप्थ सेंसर, और इससे आप 4K क्वालिटी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। साथ में इसमें 16MP का वाइड एंगल सेल्फी कैमरा दिया गया है, जिससे आप फुल एचडी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें बैटरी मिलती है 5000mAh की एक पावरफुल बैटरी, जिसमें 30W तक का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। और स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर एंड जायरोस्कोप सेंसर भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी कनेक्टिविटी फीचर्स में डुअल सिम, 4G, वाईफाई और ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ और भी फीचर्स मिलते हैं। और दोस्तों, इसका 6GB प्लस 128GB वेरिएंट का प्राइस है 15,499 रुपये। दोस्तों, 2 नंबर पर है रेडमी नोट 10 लाइट, इंडिया में लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर 2021 को,
जो दोस्तों दिखने में सेम टू सेम रेडमी नोट 9 सीरीज की तरह है। अब दोस्तों बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें दिया गया है 6.67 इंच का IPS LCD 5-inch डिस्प्ले फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में, जिसमें आपको कोनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। एंड इस स्मार्टफोन में रैम मिलता है 6GB, इंटरनल स्टोरेज है 128GB, साथ में एक्सटर्नल मेमोरी है अप टू 512GB। एंड दोस्तों इसमें प्रोसेसर दिया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G। अब कैमरे की बात करें तो इसमें आपको पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का है वाइड एंगल प्राइमरी लेंस, इसके साथ 8 मेगापिक्सल का है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का मिलता है मैक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का है डेप्थ सेंसर, और सामने की तरफ मिलता है 16 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेल्फी कैमरा। एंड स्मार्टफोन से भी आप 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। बैटरी की बात करें तो 5020mAh की बैटरी मिलती है, साथ में 18W तक का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है। सेंसर्स में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सीलोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसके कनेक्टिविटी फीचर्स में ड्यूएल सिम 4G, ड्यूएल वोल्टी, वाईफाई एंड ब्लूटूथ 5.0 जैसे और भी फीचर्स मिलते हैं। एंड दोस्तों इसका 6GB प्लस 128GB वेरियंट का प्राइस है 15,999 रुपये, जो दोस्तों बैंक ऑफ आर के साथ आपको 15,000 रुपये के प्राइस रेंज के अंदर मिल जाएगा। और दोस्तों टेक रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों एक नंबर पर है मोटो G40 फ्यूजन, और ये इंडिया में लॉन्च हुआ था 20 अप्रैल 2021 को। एंड दोस्तों इस स्मार्टफोन ने आपको एक पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात करें इसके फीचर्स की, तो सबसे पहले इसमें डिस्प्ले मिलता है 6.8 इंच का IPS LCD 5-inch डिस्प्ले फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में, जिसमें 120Hz हाई रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। इसमें रैम मिलता है 6GB, इंटरनल स्टोरेज है 128GB, साथ में एक्सटर्नल मेमोरी है अप टू 1TB। एंड इसमें प्रोसेसर दिया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G, जो इस प्राइस रेंज के फोन्स में कम ही देखने को मिलती है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड वर्जन 11। अब कैमरे की बात करें तो इसमें पीछे की तरफ 64 मेगापिक्सल का मिलता है वाइड एंगल प्राइमरी लेंस, साथ में 8 मेगापिक्सल का है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का मिलता है डेप्थ सेंसर, और सामने की तरफ मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। और इस स्मार्टफोन में भी आप 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। इसमें भी बैटरी मिलती है 6000mAh की एक पावरफुल बैटरी, जिसमें 20W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है। सेंसर्स में रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर एंड जायरोस्कोप सेंसर्स भी मिल जाते हैं। बाकी इसके कनेक्टिविटी फीचर्स में हाइब्रिड ड्यूएल सिम 4G वोल्टी, वाईफाई, NFC और ब्लूटूथ वर्जन 5.0 जैसे और भी फीचर्स मिलते हैं। इसका 6GB प्लस 128GB वेरिएंट का प्राइस है 14,999 रुपये। सो दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, जिसको ज़रूरत है उसको शेयर भी कर देना, और अगर आपको इस वीडियो के बारे में या कुछ भी सजेशन देना हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। सो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।